जितने लोग भी सुन रहे हैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीता कुमारी रवि डीएक्सएन में आने से पहले एक हाउस वाइफ घर, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि एक अच्छा जिंदगी बिताए, लेकिन डीएक्सएन में लाने वाले हमारे अपलाइन रोशन सर, उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। और यहाँ पे हम आए थे अपने बच्चे मात्र 10,000 रुपया कमाने के डीएक्सएन, और बहुत ही हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, अपने गांव के सबसे गरीब आदमी, और पढ़ाई लिखाई भी नहीं था, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी एक अच्छा जिंदगी जी सकते। लेकिन आज डीएक्सएन के बदौलत, क्योंकि यहाँ पे आए थे तो दिखाया गया था यहाँ सारा सपना पूरा होगा, आपको अच्छा घर भी खरीद सकते हैं, पैसा भी मिलेगा, अपने बच्चे उनमें भी पढ़ा सकते हैं। तो हम अपने बच्चे लोग को यहाँ केवल पढ़ाने के लिए सोचे कि यहाँ अच्छा पैसा कमाएंगे तो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, इसलिए हम गाँव से शहर में आए थे पढ़ाने के लिए। लेकिन डीएक्सएन की ट्रेनिंग में जब गए वहां देखे कि हमारे महागुरु मिस्टर केके अग्रवाल सर बता रहे थे कि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी अगर सिस्टम पे काम करेगा तो 1,00,000 रुपया महीना कमा सकते। तो हमको लगा कि जब साधारण आदमी कमा सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी कमा सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज की हम गांव में रहते थे, मेरा मिट्टी का दो घर था, बहुत ही गरीब, लेकिन मेरा सोच बड़ा था। हम सोचते थे कि कोई ऐसा काम मिले जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमाएं, अच्छी खासी जिंदगी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। इसलिए हम डीएक्सएन में आकर के वहां बताया जाता 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपया कमाने के लिए हमारे मेरा सोच, मेरा सपना था, अपने ड्रीम को सबसे पहले क्या किया, अपने ड्रीम को लिख करके टांग। मेरा ड्रीम क्या था, एक अच्छा, मैंने कहा जाए तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए था कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे टॉप स्कूल में, और अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, क्योंकि गरीब आदमी को अच्छा खाना भी नहीं मिलता, अच्छा कपड़ा भी नहीं मिलता, और हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि बहुत कम रवि सर को पैसा मिलता था, और उतना में किसी तरह हमारी जिंदगी चल रहा है। लेकिन डीएक्सएन में जब आए और मीटिंग ट्रेनिंग सुने, पहले क्या कि उसको ड्रीम को लिख के टांग, और हमेशा बोलते थे हे भगवान, हमको इतनी शक्ति दीजिएगा, इतना ताकत दीजिएगा कि सिस्टम पे काम करके हम पैसा कमाएं। काम करना स्टार्ट किए, फील्ड में जाना स्टार्ट किए, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन सपना मेरा था, काम हमको करना था, मेरे अपलाइन मेरे साथ थे, मेरे सपोर्ट में, बोलते थे बेटा कोई कुछ बोले तुम काम करो, तुम बहुत आगे जाओगे, और उसी तरह विश्वास रख के काम किए सिस्टम के साथ, और आज की डेट में देखिए मेरी अच्छी खासी जिंदगी हो गई। जो कल तक था कि अच्छा खाना के लिए, अच्छा कपड़ा के लिए, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मात्र 100 रुपये वाला स्कूल होगा, लेकिन आज के डेट में अपने बच्चे को अच्छा से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहां से टॉप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे अच्छा सराह भी रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आकर के पता कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर जिसका क्यों क्लियर होगा वो किसी का बात सुनने वाला नहीं, हमको भी बहुत समस्या है लेकिन हम भी किसी का बात नहीं सुन। लोग बोलते थे ये सब कुछ नहीं होगा, ये गैरेंटर वाली चाय बेच करके क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, कभी भी विदेश नहीं जा सकते, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि गरीब आदमी जहाँ पे रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में केवल यही बताया जाता है गरीब आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ओनली फॉर डीएक्स ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे अपलाइन बोलते हैं क्या कि यहाँ पे काम करो, डीएक्सएन में सारे सपने, गरीब आम आदमी भी अमीर बन सकते। तो यहाँ पे सभी अपलाइन एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हैं, इसका काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज के डेट में हम लोग बहुत ही गरीब थे, हम लोग इतना आगे नहीं आते, अच्छा जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन फिर धीरे धीरे
धीरे आज देखिए सब कुछ जो कल तक हम लोग को लगता था कि केवल बड़ा आदमी ही कर सकते, ये अच्छा जिंदगी जीते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आज डीएक्शन के माध्यम से आज सब कुछ मतलब कि हम वो जिंदगी जी रहे हैं, खुश भी हैं, हर चीज जो भी चाहते हैं वो करते हैं। तो अगर आप लोग भी सिस्टम के साथ काम कीजिएगा तो आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। और यहाँ कोई नहीं, क्योंकि हम भी सोचते थे कि बड़ा आदमी वही बन सकता है जिसका भाग्य में हो, जिसका किस्मत में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डी एक्शन में कर्म करने से एक नौकर का भी बेटा राजा बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहेगा तभी बन सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको चाहत होना चाहिए, सिस्टम के साथ काम करना है, और अपनी जितने भी अपलाइन बोलते हैं, जो भी बताते हैं, उनकी बात को फॉलो करना, और जो कहें उसकी बात को पालन कीजिए, आप बहुत आगे जाइएगा। और यहाँ सिस्टम से लाख क्या, 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, ये तो साधारण चीज है। अभी तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, इससे हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। कभी सोची नहीं थी कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग भी देंगे, इतने अच्छे अच्छे महागुरु लोग का रोज मीटिंग ट्रेनिंग सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीज मिले। अब लग रहा है कि कब लॉकडाउन खत्म हो कि निकले, और डायरेक्ट एक ही लक्ष्य है क्राउन अम्बेसडर। तो आप लोग भी एकदम तैयारी कीजिए, सारे लोग अपने सपने को लिख करके टांग दीजिए और उस पर विश्वास कीजिए, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बना लीजिए, और जैसी लॉकडाउन खत्म हो पूरा जगह पे जा करके एकदम धावा मार दीजिए, और सारे लोग सिस्टम के साथ काम कीजिए। आप अपने बच्चे को, क्योंकि गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमी को अमीर बनने का 1000 रास्ते, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने का 1 for अगर कोई रास्ता है तो डीएक्शन, जहां से आम आदमी भी अमीर बन सकता। तो आप सारी चीज को अगर समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो आज जिंदगी जी रहे कभी सोचे नहीं, क्योंकि आज भी विदेश 5 विदेश यात्रा कर चुके हैं। लेडीज को तो कमजोर समझा जाता है, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन लेडीज अपना ताकत को बाहर दिखाना स्टार्ट करेगी ना, तो एक ही घर में बैठी हुई लेडीज क्राउन अम्बेसडर बन सकती है, लाखों करोड़ों रुपया महीना कमा सकती है, अपने बच्चे को अच्छा जिंदगी भी दे सकती है। और उसको कमजोर मत समझिए, उनको भी साथ लेकर के मीटिंग ट्रेनिंग में जाइए, क्योंकि अभी उनको मालूम नहीं है कि नारी शक्ति होता क्या, क्योंकि नारी में बहुत बड़ा पावर है। जेंट्स लोग तो केवल दरवाजा तक जा सकते हैं, लेकिन एक आम लेडीज घर के अंदर तक, जहाँ किचन तक जा सकती है, वो देख भी सकती है कि क्या बना रहे हैं, और खाना भी खाएगी, या डीएक्शन के बारे में बता भी सकती है। तो सबसे बड़ी चीज, सपने वो नहीं होता है जो आप नींद में देखते हैं, क्योंकि हम भी गांव में रहते थे, मेरा मिट्टी का घर था, तो हम भी देखते थे कि पूरा एकदम उड़ रहे हैं एरोप्लेन, और जब नींद टूटता था तो देखते थे कि वही खटिया पर। लेकिन यहाँ पे हमको समझ में आया कि सपना वो नहीं होता जो नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। तो जिस दिन हमको 1 लाख रुपया सर बताए थे कि डीएक्शन से 1 लाख रुपया कमाइएगा, उस दिन ही मेरा नींद उड़ गया, और उड़ा तो ऐसा लगा जब तक 1 लाख रुपया नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, और शपथ लेकर के, डिसीजन लेकर के, खुद से, किसी से पूछ के नहीं, बाहरी दुनिया में आप जो भी काम करते हैं किसी से पूछ के कीजिए, लेकिन एक ही हम डिसीजन लिए हैं डीएक्शन में खुद से कि हम यहाँ 1 लाख रुपया कमाएंगे, और निकल पड़े फील्ड में जाकर के काम किए। बहुत सारे लोग कुछ बोलते थे लेकिन किसी का बात हमको सुनाई नहीं देता था, केवल हमको अपने बच्चे को, गरीबी को दूर करना, क्योंकि मेरा स्थिति इतना खराब था कि अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं पहना पाते। लेकिन आज के डेट में सब कुछ है, और हम सोच लिए थे कि जब 300 से 1 लाख रुपया आता है तो सबसे फर्स्ट अगर किसी का आएगा तो औरंगाबाद जिला में तो रीता कुमारी रवि का नाम, और ये सोच के चले, और वाकई ही ऐसा ही हुआ, सबसे फर्स्ट हुआ। तो आप सोचिए
खुद से डिसीजन लीजिए और जितने भी अपलाइन जो भी बात बताते हैं उनकी बात को मानिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपका सारा सपना यहाँ पे सच होगा। और यहाँ पे आम आदमी को, आप तो हम लोग गरीब हैं, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो आम आदमी को एक खास बना दे। कल तक रीता को गांव में भी कोई नहीं जानता, आज के दिन बहुत सारे लोग डीएक्शन के माध्यम से हमको जानते हैं। और बहुत ही कुछ नसीब है जो हमारे इतने अच्छे अपलाइन मिस्टर केके अग्रवाल सर मिले, जिनके बताए हुए रास्ते पे चल कर एक साधारण आदमी भी असाधारण बन सके। तो ये सारा चीज यहाँ पे मिल सकता है, अपने बच्चे को अच्छी खुशी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सपना पे विश्वास करना है। किस तरह, एक कहानी सुनाते हैं आप लोग, एक कुत्ता और खरगोश। क्योंकि अगर सपना पे विश्वास नहीं होगा तो बहुत सारे लोग को होता कि अगर 100% अगर विश्वास नहीं है तो कुछ लोग आधा पे ही चले जाते। जैसे कि एक कुत्ता था और एक खरगोश था, तो जैसी कुत्ता का नजर खरगोश पे पड़ा तो खरगोश भागने लगा। जिस गली में जा रहा था वहां पे होता क्या कि हर गली में कुत्ते होते, तो जिस गली में जा रहा था वहां पे कुत्ता था, तो एक कुत्ता को भोगते देख करके अगर एक गली में गया तो 10 कुत्ता, फिर अगला गली में गया तो वहां पे 5-10, ऐसे करते करते खरगोश भागते जा रहा था और कुत्ता उसका पीछा करते जा रहा था। पीछा करते करते हुआ क्या, जा करके खरगोश एक पाइप में घुस गया। और जब पाइप में घुसा तो वहां पे भोगने वाले कुत्ते का संख्या कितना हो गया, 100, और एक कुत्ता था से बहुत देर से, मतलब सारे कुत्ते भोग रहे। तो भोगते भोगते पीछे से कोई बोला, एक कुत्ता, अच्छा हम लोग भोग क्यों रहे हैं? तो आगे वाला बीच वाला बोल रहा कि पता ना, वो लोग भोग रहा था तो हम भी भोगना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं कि हम क्यों भोग रहे हैं। तो फिर आगे थोड़ा सा जाके पूछा, यही भाई से हम लोग क्यों भोग रहे हैं? तो लोग पता नहीं क्यों भोग रहे हैं, उन लोग भोग रहा था तो हम लोग भोगना स्टार्ट किए। यानी कि 99 कुत्ता को मालूम नहीं था कि हम क्यों भोग रहे हैं, लेकिन एक कुत्ता को मालूम था कि हम क्यों भोग रहे हैं। तो 99 कुत्ता चले गए और एक कुत्ता टिका रह गया। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको विश्वास है कि मेरा सपना सच होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है, तो आप जीत जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। तो आपका, आपकी जीत आप पे डिपेंड है, किसी दूसरे पे नहीं। तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी चीज, यहाँ कितना दिक्कत हो रहा है जो नौकरी करने वाले लोग के बाहर में जाकर के काम करते थे, हम लोग जाकर के अगर उन लोग को बोलते हैं काम करेंगे तो बोलते हैं कि नहीं करेंगे। लेकिन आज के डेट में देखिए कितने सारे बेरोजगार लोग हो गए, जो प्राइवेट में जाके काम करते थे, आज उन लोग को खाने के लिए बहुत सारे गरीब आदमी मर रहे हैं। लेकिन डीएक्शन अगर सिस्टम में बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के, क्योंकि अभी हम लोग पहले भी बोलते थे कि अभी क्या है, टेलर है, पिक्चर 2020 में स्टार्ट होगा, तो हमको लगा कि वाह ये सही बताते थे कि अभी जितना भी 1-2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते हैं, ये सब टेलर है। जब पिक्चर लगेगा तो एक आम आदमी, एक छोटा सा गांव से निकला हुआ आदमी लाखों करोड़ों रुपया कमाए। और जितने सारे लोग जो आए हैं वो सारे लोग डीएक्शन में काम करेंगे और अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपने बच्चे को अच्छा भविष्य, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का। मेरा भी सपना था, इसीलिए आज हम औरंगाबाद में रहते हैं, औरंगाबाद में सबसे टॉप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और मेरा आगे भी सपना है कि अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए अपने बच्चे लोग। तो आप भी यहाँ के सपना को पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो आपकी फैमिली में नहीं सुनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कौन सुनता है नहीं सुनता है। अगर इरादा पक्का है, जीतने की जिद आपके अंदर है, तो पूरी दुनिया आपके लिए महान। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपके विश्वास ही नहीं है तो आपको लगा कि पूरा दुनिया खाली नहीं भर गया, लेकिन अभी देखा जाए तो पूरा दुनिया खाली है।
अब सारे लोग, एक गरीब लेडी जिसका पहचान नहीं होता है, जिसको घर में कोई इज्जत नहीं होता है, वो यहाँ पे आकर के मान सम्मान भी कमा सकती है। पति लोग ले जाते हैं अपनी पत्नी को घुमाने के लिए, पैसा के मोहताज रहती है, लेकिन आज डी एक्शन में काम करके हम किसी का मोहताज नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ से मेरा जिंदगी बदलेगा, यहाँ से हम बहुत पैसा कमाएंगे, यहाँ से हम विदेश घूमने के लिए जाएंगे। सारा लोग बोलते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम विदेश जरूर जाएंगे। और ऐसा सोचे आज सब कुछ हो गया। आज इतना अच्छा प्रोडक्ट दातो डॉक्टर लिम, इतना अच्छा गैनोडर्मा हमारे पास, आरजीजीएल स्पाना, सारा चीज है। खाइए पीजिए, घर में मस्त रहिए, और लोगों से बात करिए भी फोन पे, और निकलिएगा तो एक ही तरीके क्या करना है, सब जगह जाकर के छापा मार देना और काम करना है। तो सारे लोग यहाँ पे काम कीजिए, अपने जिंदगी को बदलिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे समाज में बदलाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि गरीब आदमी में हिम्मत नहीं होता। जिस दिन गरीब आदमी ये सोच ले कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारत, एक से एक चीज का जो बनाने वाला होता है वो गरीब आदमी है। और जब गरीब आदमी दूसरे को महल को बना सकता है, तो जिस दिन अपने तरफ हाथ फेर देगा ना, और डी एक्शन में अपने लिए काम करेगा ना, तो आलिशान बंगला तैयार कर सकता। और मध्यम परिवार में होता क्या है, जिसको फुर्सत नहीं है, 20,000, 10,000, 25,000, 30,000 रुपया कमाता है, तो आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है तो खुद से पूछिए, अगर टाइम नहीं है आप अपनी पत्नी को कितना पैसा देते हैं, क्योंकि हम भी तो किसी की पत्नी थे। 100 रुपया के लिए, 50 रुपया के लिए तरसते थे, मिलता नहीं था। साल भर के दिन आता था, होली दीपावली दशहरा, अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते थे। जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं, वो देखने में केवल ठीक ठाक है, लेकिन हालात जाकर के अंदर देखेगा तब पता चले। तो गरीब आदमी के पास, समान आदमी जो है उसके पास फुर्सत नहीं, लेकिन उसको पता क्या है, उसको बताइए, उसको समझाइए। और जब बताएंगे समझाएंगे कि पार्ट टाइम में काम करके यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम कमा सकते, क्योंकि गरीब आदमी के लिए होता क्या है, साल में होली, साल में दीपावली, साल में दशहरा। लेकिन अगर अमीर आदमी होता है, उसके लिए रोज होली, रोज दीपावली, रोज दशहरा। क्योंकि मेरे अपने से हम कुछ सोचते हैं कि कल तक हम शादी ब्याह या नया कुछ भी आता था, होली दीपावली, उस समय भी हम अपने बच्चे को कपड़ा नहीं दे पाते थे, मैंने इतना स्थिति खराब था। लेकिन आज की डेट में जब मन किया, जैसा मन किया, वैसा कपड़ा पहने, तो वही हमको लगता है कि गरीब आदमी के लिए साल में सब कुछ होता है। और जो पैसा कमाता है, जो अच्छा जिंदगी जीता है, उसके लिए रोज होली दीपावली दशहरा होता है। तो अब आप पे डिपेंड कि आप साल वाले हैं कि रोज वाले। अगर आज साल वाले हैं, डी एक्शन में सिस्टम के साथ काम कर लीजिए, आपके घर में रोज खुशियां मनने वाली है, आप भी करोड़पति लखपति बनने वाले हैं। क्योंकि हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम, ऐसी ट्रेनिंग होता है, ऐसी ट्रेनिंग होता है जहाँ पे लोग लखपति लोग तैयार होते हैं। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन डी एक्शन में जो आरबीसी का ट्रेनिंग जो होता है, रत्ना वसुपाल मिशन ट्रेनिंग जो होता है, उसमें क्या है, वहां हमेशा लखपति लोग, करोड़पति लोग बनते हैं। तो अगर आपको भी बनना है तो उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। और बहुत सारे नए लोग को पहले होम मीटिंग घर में जाकर के दीजिए। फिर क्या करना है, होम मीटिंग के बाद बड़ा मीटिंग में ले जाइए। औरंगाबाद में भी होता है, डेहरी ओंसन में भी होता है, हमारे गुरुदेव वहां हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग लगाते हैं सारे लोग। और फिर क्या करना, उन लोग को मीटिंग से मीनार में ले जाना, और सारे लोग को सिस्टम को फॉलो कराना है, पालन कराना है। क्योंकि अभी समझ में आएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिनका सिस्टम मजबूत होगा ना, वो पैसा घर में भी बैठ के छाप सकते। इसी से मैं समझ में आता है कि सिस्टम का पावर कितना बड़ा होता है।
और नहीं जिनको पैसा नहीं आएगा वो समझ जाए कि वो आज भी डीएसएन में नौकरी कर, तो जो हुआ से वो उसको खत्म करना है, आज से ये सोच लेना है कि लॉकडाउन खत्म होगा, अब हमको अपना सिस्टम पे काम करना है ताकि हम रहें या नहीं रहें मेरे बच्चे लोग खुश रहें, पैसा आते रहे। और आप सारे लोग यहाँ पे डीएक्शन का प्रोडक्ट को दम तक खाइए, और जितने लोग को आप खिलाना चाहते हैं फैमिली लोग को खिलाइए, और सारे लोग घर में सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत जाइएगा। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को अभी अकेले नहीं, बहुत सारे लोग को करोड़पति बनाना है, खुद भी बनना है और बहुत सारे लोगों को बनाना भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है सारे लोग मेहनत सिस्टम के साथ काम कीजिए। कल के डेट में लोग नौकरी के लिए भागते थे, आज नौकरी मिल नहीं रहा, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग कम पढ़े लिखे लोग, कल सोचे थे कि कम पढ़े लिखे हैं इसीलिए हमको डीएक्शन समझ में, आज हमको पता चला कि कल तक पढ़े लिखे लोग को समझ में नहीं आ रहा, आज पढ़े लिखे लोग को जब समझ में आएगा तो इस कम पढ़े लिखे लोग के नीचे आएंगे। तो जितनी भी कम पढ़े लिखे लेडीज लोग हैं, जेंट्स लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, अब आपका सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत होने वाला है। और सारे लोग अब दिमाग को खोल लीजिए, ऑफलाइन जैसे बता जितने भी हमारे रोशन सर्कल बता रहे थे सिस्टम के बारे में, जो भी बताया कि सिस्टम वो सारा सिस्टम को फॉलो कीजिए। और हम लोग यहाँ पे हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो अगर माला अगर बड़ा मिलता है तो हम लोग क्या करते, सोचते कि बहुत लीडर बन गए, नहीं वो सोचिए ठीक है लीडर बन गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नीचे लीडर को पैदा करना, पैसा कमाने वाले इंसान को, लखपति लोग को, आप कितना लखपति आपके नीचे है ये सबसे बड़ा मायने देता है। आप लखपति हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके टीम में कितने लखपति हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग खुद लाख रुपए कमाते हैं सही है, 2 लाख कमाते हैं सही है, लेकिन मेरे टीम में बहुत सारे लोग को कमाना चाहिए। अगर आप लोग डिसीजन, अगर निर्णय लीजिएगा कि आने वाले समय में हमारे नीचे 100, 200, 300 लखपति लोग रहेंगे, तो सोचिए कि आप कितना पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे तो पैसा का समुंदर है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लोटा लेके जा रहे हैं, तो लोटा में कितना पानी आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। तो समुंदर है तो समुंदर से निकालने के लिए पहले पाइपलाइन लगाना पड़ता है, अब पाइपलाइन लगाएंगे तो घर में पैसा पूरा आएगा। तो हम लोग को सारे लोग सिस्टम के साथ काम करें, जो भी आप प्लान बताते हैं अपलाइन का बात मानिए, और हमारे भी गुरु रोशन सर जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। और यहाँ पे आकर के हमको बहुत खुशी हुआ कि अगर डीएक्शन नहीं मिलता तो मेरा जिंदगी क्या होता, बहुत ही हम 10-10 रुपया के लिए तरसे, एक व्यक्ति के लिए रोते थे, और आज हम बहुत खुशहाल हैं, अच्छा है कि कहा जाए कि गरीब आदमी का बेरंग दुनिया में अगर रंग भरने का कोई काम करता है तो वो डीएक्शन प्लेटफॉर्म। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मेरी भी दुनिया खुश रहे, अच्छा रहे, रंगीन रहे, तो आप यहाँ काम कीजिए सिस्टम के साथ, लोगों से बात कीजिए, और सारा लोग आपका तभी आप पे विश्वास करेंगे, तभी आपका बात मानेंगे जब आप सही गलत है। अगर आप जीतिएगा नहीं तब तक आप पर कोई विश्वास करने वाला नहीं। आप लाख हमेशा बोलिएगा कि लाख रुपया आएगा, ये होगा, ये होगा, उसको लाख लाख दिखाइए, उसके बाद भी आपका अपना परिवार बोलेगा क्या ये किस्मत की बात है, उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भाग्य किस्मत जैसा कोई होता ही नहीं। अगर भाग्य किस्मत की जगह कोई होता ना, तो एक लकड़ी काटने वाला का बेटा वो भी गया था अपने हाथ को दिखाने के लिए, एक हाथ देखते थे कि क्या हम कभी अमीर बन सकते हैं कि नहीं। तो उसको ज्योतिषी क्या बोला कि तू जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि तू लकड़ी काटने वाला का बेटा। वो बच्चा बहुत उदास हो गया, वो आकर के घर में अपने हाथ को लकीर को काट रहा था उसी कुल्हाड़ी से जिससे उसके पिताजी लकड़ी काटने गए। जब उसके पिताजी बोले, देखे तो बोले क्या कर रहा बेटा, तो बोला क्या कि अपने भाग्य को चेंज कर रहे हैं, हाथ की लकीर से भाग्य चेंज नहीं होता है, तुम कर्म करो
और जब वो बच्चा कर्म किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए। तो ठीक उसी तरह आप लोग भी कर्म पे विश्वास कीजिए और डी एक्शन में सिस्टम का 100% पालन कीजिए, न इधर न उधर। क्यों? क्योंकि बोलने से नहीं होता, करने से होता। हम भी करते थे शुरू से, मेरे के यहाँ भी सब्जी नहीं रहता था, नहीं रहे सब्जी, लेकिन सिस्टम कभी नहीं तोड़े। जिस समय 1000 बनाते थे तो 1000, जिस दिन से हमारे गुरुदेव बोले 3000 बनाना है, हम एडवांस में 3000 बनाना स्टार्ट किए, फिर 3500, फिर 5000, जितना मन करता उतना बनाते हैं। तो आप भी सिस्टम का फॉलो कीजिए, खाना खाइए आज या नहीं खाइए, लेकिन सिस्टम का अगर आप पालन कीजिए, कर लीजिएगा, तो डी एक्शन में आने वाला दिन में 56 भोग आपके घर में बन सकते। तो सबसे बड़ी चीज है सिस्टम का पालन कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए। अगर आपका सपना है तो किसी से पूछिए मत, केवल अपलाइन जैसे रास्ता बताते हैं वैसे चलना स्टार्ट कीजिए, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो सारे लोग आप लोग सिस्टम के साथ काम कीजिए, और बहुत ही खुशनसीब हम लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे रत्ना मैम बसुपाल सर हैं, जो गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए बताते हैं, सोचिए, और इतने अच्छे हैं। तो सारे लोग सिस्टम के साथ काम करके हम लोग अमीर बन सकते हैं। घर में बैठ करके कॉन्टेक्ट रजिस्टर तैयार कर लीजिए, हम भी अपना तैयार करनी है। और केवल सारे जितने भी लोग सुन रहे, केवल एक लक्ष्य बनाइए कि हम लोग को इधर नहीं रुकना है, डायरेक्ट क्राउन अम्बेसडर बनेंगे। और क्राउन अम्बेसडर बनेंगे तो अच्छी जिंदगी होगी, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में रहेंगे, अच्छे अच्छे पढ़ाई करेंगे, हम लोग का जिंदगी जो कभी गरीब आदमी अच्छा खाना के लिए तरसता, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अलग दुनिया हो जाएगा। आज जो लोग हंसते हैं ना उनकी बात मत सोचिए, आज हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग में देखने के लिए, उन लोग को बोलते हैं कि जो लोग हंसा उन लोग आरबीसी ट्रेनिंग में है तो नहीं, हमने की जो हंसता है ना वो जहां रहता वहीं रह जाता है, और जो संघर्ष करता है ना वो बहुत आगे निकल जाता है। तो आप लोग को भी संघर्ष करना है, सिस्टम के साथ काम करना है, और भाग्य किस्मत के मध्य नहीं जाना है, क्योंकि कहा जाता है कि राख जो है अंगारों से बनते हैं, राख जो है अंगारों से बनते हैं। डी एक्शन में सिस्टम से काम कर लो, लिबास क्या पूरा इतिहास बदल सकते। तो आपको इतिहास बदलने का मौका डी एक्शन में मिला है। बस इतना ही करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग।